नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। समाजवादी पार्टी की नजर मध्य प्रदेश पर भी आकर टिक गई है। किसी जमाने में समाजवादी पार्टियों का गढ़ रहा विंध्य प्रदेश, फिर से समाजवादी की जड़ को मजबूत करने के लिए नए सिरे से तैयार हो रहा है। इसके लिए कमान सौंपी गई है रेगांव के पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह धीरू। विंध्य भारत की टीम ने धीरेन्द्र सिंह धीरू से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने हमसे क्या कुछ कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। हमारे साथ मौजूद हैं धीरेन्द्र सिंह धीरू। 90 के दशक में आप विधानसभा में भी पहुंचे थे, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे। वर्तमान में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। धीरेन्द्र सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, अगर बात रीवा की जाए तो किसी ज़माने में जगदीश चंद जोशी, यमुना प्रसाद शास्त्री का यह समाजवादी गढ़ रहा है। आज के हालात में समाजवादियों का यहाँ से पता नहीं, तो उस तरीके से यहाँ पर आप समाजवाद को कैसे जिंदा करेंगे? विचारधारा जो समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा है, वो की जड़ नहीं ख़त्म हुई है, ऊपर से पेड़ काटा गया है। कांग्रेस भाजपा पेड़ काटती है, उसकी जड़ें आज भी हैं। वो जड़ों पे हम पानी डालेंगे और समाजवादी पार्टी खड़ी होगी। दरअसल विचारधारा कब ख़त्म होती, जब सत्ता का मोह हो जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी खुद कहती है हम सरकार बनाने के लिए, सत्ता के लिए। अभी तो हमें विचारधारा जिंदा करना है, उसी विचारधारा से हमको पार्टी खड़ी करना है, इस तरह खड़ी करेंगे। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये होता है कि जिस तरीके से आप रेगांव से चुनाव भी लड़े थे, रेगांव से आप सीट से वहाँ से विधानसभा में पहुँचे थे, वहाँ आपने काम भी काफ़ी किया, उसके बाद ऐसी क्या स्थितियाँ हुई कि काम होने के बाद भी आप वहाँ से लगातार चुनाव हारते रहे? एक तो जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश में काम कर रही है, वो पैसे के बल पर काम कर रही है, सत्ता के बल पर काम कर रही है, माफियाओं के बल पे काम कर रही है और ताकत के बल, और जनता का ध्यान भटका देती है, मुद्दों से भटका देती है, तत्कालिक फायदे की ओर ले जाने का प्रयास करती है। मेरे से ज़्यादा अगर मैं आज आपसे बात करूं, 90 में मैं विधायक था, शिवराज सिंह भी विधायक थे मेरे साथ, पहली बार वो भी हुए पहली बार। मैं आज दावा करता हूँ कि मैं 90 में शिवराज सिंह से ज़्यादा काम किया अपने क्षेत्र। जिला पंचायत का जो प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष बना, मैं जिला पंचायत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्टिव जिला पंचायत था और सबसे ज़्यादा काम किया। मेरा सवाल यही था। हाँ, वही वही, मैं सबसे ज़्यादा काम किया। लेकिन कांग्रेस और भाजपा ने एक, आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते एक बयान दिया था कि चुनाव काम से नहीं होता, मैनेजमेंट से होता है। उनके चीफ मिनिस्टर ही कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है कि मैनेजमेंट से चुनाव, तो वो मैनेजमेंट का जो आधार, बाहुबल, सत्ता बल, पैसा बल, धन बल, और एक एक चुनाव क्षेत्र में 10-10, 20-20 करोड़ रुपया से के करीब से खर्च होता है, और निर्वाचन, भारत निर्वाचन आयोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहता है, कुछ नहीं कर पाता है। इस कारण से तत्कालिक फायदे के लिए लोग कांग्रेस, धन बल और बाहुबल दोनों आपके पास नहीं है, ना आपकी पार्टी के पास है, तो किस तरीके से आप मध्य प्रदेश में तीसरे मोर्चे को खड़ा करेंगे? हम इसी कारण से अभी तक अकेले काम करते थे, हम इसी कारण से समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि समाजवादी, और आज समाजवादी पार्टी कांग्रेस से देश में, उत्तर प्रदेश में बड़ी है, अन्य जगह भी धीरे धीरे, जितने बड़े राज्य की वो पार्टी है, इतने में पूरी कांग्रेस समा जाएगी मध्य प्रदेश में। हमने समाजवादी पार्टी का इसीलिए दामन थामा है कि उसकी ताकत से हम मध्य प्रदेश में खड़ा करेंगे, माननीय अखिलेश जी के मार्गदर्शन में खड़ा करेंगे। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आप दावे तो बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी से टिकट भी, जिनको भाजपा कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता उनको आप टिकट देते हैं, वो हारे या जीते हैं उसके बाद आपकी पार्टी में नहीं रहते, तो निकट भविष्य में चुनाव भी संभावित हैं, किस तरीके से कैंडिडेट का चुनाव होगा? ये एक कांग्रेस और भाजपा और अन्य दलों ने एक ट्रेंड बना दिया है, जहाँ छोटे दल हैं कि, और वो ट्रेंड उनने बनाया, और उसी उन्हीं दल के, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी जब देखते हैं टिकट नहीं मिलती तो किसी दल का दामन पैसे के बल में थामने लगते हैं। हम इसीलिए, अभी चुनाव के 2 वर्ष बाकी हैं, हम अभी से
ग्रास रूट में जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, ट्रेंड करेंगे कि किसके किस आधार पे आप जनता के बीच में जाओगे और इनके तात्कालिक फायदा, इनके पैसे की ताकत से किस तरह हम लड़ेंगे, वोटर्स को तैयार करने का काम करेंगे, उसी ताकत से लड़ेंगे। हमारा प्रयास होगा कि पहले हम समाजवादी पार्टी के लोगों को ही टिकट दें, इसके बाद देखें। ये थे हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह धीरू, पूर्व विधायक, जिनका साफ तौर से कहना था समाजवादी की जड़ें यहाँ काफ़ी गहरी हैं, हम उन्हीं को फिर से यहाँ पनपाएंगे। समाजवादियों का गढ़ जो किसी ज़माने में बिंद रहा है, एक बार फिर से यहाँ पर जीवित होगा। हम जमीनी लेवल पर काम करके यहाँ पर समाजवाद को नए सिरे से खड़ा करेंगे। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।